नमस्कार दोस्तों, हिना दिगाई चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम पैंगोंग पहुंच गए थे और बहुत ही मुश्किल से हमें 9:30 बजे तक टेंट हाउस जो है वो मिला। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर पैंगोंग लेक घूमने का मन बना रहे हैं और सीजन टाइम में आ रहे हैं तो अपनी प्रायर बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग करके ही आएँ। तो ये था सुबह कुछ नज़ारा। हम रात को बहुत थक चुके थे तो मॉर्निंग थोड़ा लेट उठे तो देखा कि धूप खिली हुई है। हम अपने टेंट हाउस से बाहर आके थोड़ा सा आगे आए तो देखा कि पैंगोंग लेक का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा था। और पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के लिए हम जल्दी से अपने रूम में आते हैं और नाश्ता करके निकल पड़ते हैं पैंगोंग लेक को एक्सप्लोर करने के लिए। ये पूरी वीडियो जो है हमारी पैंगोंग लेक से वापस रिटर्न को है मनाली की तरफ। तो देखते हैं हम कहां तक पहुंच पाते हैं, बट आपको इस वीडियो में श्योरली मज़ा आने वाला और मैं सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर अप करने की कोशिश करूंगी। सो स्टे ट्यून विद मी। पैंगोंग लेक के लिए निकलते समय ये पूरा रास्ता ही पैंगोंग लेक के बगल से होते हुए जा रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये नीचे आप देख सकते हैं ये सारे टेंट हाउस हैं जो लेक के बगल में ही हैं। और लेक पर पहुंचने पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि गाड़ियां बहुत पहले ही खड़ी कर दी जाती हैं और आपको पैदल ही लेक तक जाना पड़ता है। और ये प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये हम पहुंच जाते हैं पैंगोंग लेक। जैसे कि आप सबको पता है, 3 Idiots मूवी के बाद ही ये लेक इतनी फेमस हो गई थी और हर साल लाखों की संख्या में यहाँ लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। अगर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करूँ पैंगोंग लेक की, तो इसका जो रंग है, इसकी जो खूबसूरती है, आप उसे तभी विटनेस कर सकेंगे जब धूप पूरी अच्छी तरह खिली हो। तो लगभग 11 से 1 बजे के बीच इसकी खूबसूरती को आप और इसके 7 रंगों को आप इजीली विटनेस कर सकते हैं। तो नून टाइम में ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है और धूप में जो वाटर में 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे, अलग अलग शेड्स जो है वो दिखाई देंगे, वो अपने आप में अल्टीमेट है। अगर मैं बात करूँ लेक की लंबाई की, तो ये लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है। ये लेक कितनी ही लंबी है, बट पूरी लेक का ओनली 1/3 हिस्सा ही इंडिया में है और बाकी 2/3 हिस्सा अभी भी चाइना के पास है। विदाउट विजिट पैंगोंग लेक, लद्दाख का ट्रिप इनकम्प्लीट सा लगता है। सो लद्दाख ट्रिप में इस ब्यूटीफुल लेक को ज़रूर शामिल करें। दिस लेक लुक्स लाइक अ ड्रीमी प्लेस। इस पैंगोंग लेक की जो ऊंचाई है वो लगभग 4550 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। और विंटर्स में ये लेक पूरी तरह से जम जाती है, जिस पर आप आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको एक खास परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे पैंगोंग लेक घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो समर्स में होता है, यानी अप्रैल टू सेप्टेम्बर तक का होता है। क्या आप जानते हैं पैंगोंग लेक का पानी अपना रंग बदलता है और इसी रंग बदलने की वजह से ही ये काफ़ी लोकप्रिय है। इसका रंग नीले से कभी कभी हरे और हरे से लाल रंग में भी बदल जाता है। यह लेक दिन में कई बार अपना रंग बदलती है और लगभग 7 रंगों में ही अपना रंग बदलती है। और ये लेक की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखना किसी चमत्कार से कम तो नहीं है। सूर्य की बदलती गति के साथ इसके जो बदलते रंग हैं ये और भी खूबसूरत लगते हैं। और इसकी खूबसूरती को अगर आप विटनेस करना चाहते हैं तो कोई भी कैमरा या कोई भी वीडियो वो इसके लिए सार्थक नहीं है। आपको अपनी आंखों से ही इसकी एग्जैक्ट मूवी की लोकेशन तो नहीं, बट यस, पूरे पैंगोंग लेक पे थोड़ थोड़ डिस्टेंस पे ही आपको मूवी से लेटेस्ट वो सारी चीज़ें अपनी मेमोरी के लिए फ़ोटो क्लिक करने के लिए मिल जाएंगी, जैसे वो 3 Idiots वाले 3 ड्रम, करीना कपूर का स्कूटर और यस, वहाँ की लोकल पोशाक में भी आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। तो लगभग 2 घंटे बिताने के बाद, 2 से 2.5 घंटे बिताने के बाद, अच्छे से मेमोरीज वहाँ की क्लिक करने के बाद और पैंगोंग लेक की खूबसूरती को अच्छे से अपनी आँखों में बसा के हम निकल पड़ते हैं अपने आगे की डेस्टिनेशन की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पैंगोंग से मनाली की तरफ जा रहे हैं, बट देखते हैं कि रास्ता कैसा मिलता है और हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सो बने रहिए वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। पैंगोंग से निकलने के बाद लगभग 20 किलोमीटर तक हम लेक के किनारे ही चलते जा रहे थे, जहाँ लेक अगेन अलग अलग रंगों में बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और अगेन गाड़ी रोक कर कुछ फोटोग्राफी करने लग जाते हैं और निकल पड़ते हैं थोड़ी देर बाद आगे के सफ़र की ओर।
और कुछ देर बाद डामर रोड जो है वो खत्म हो जाती है और कच्चा रास्ता भी स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो लेक है वो भी हमसे छूटती जा रही थी। और आगे हमें आर्मी कैंप भी देखने को मिलते हैं। सैल्यूट टू आर इंडियन आर्मी जो ऐसी जगह पर भी सर्वाइव करी हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए। तो अब रास्ता जो है वो स्टार्ट होता है सूखे पहाड़ों का और भुरभुराती मिट्टी का। कहीं पर मोड़, कहीं पर चढ़ाई इतनी ज़्यादा थी, गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो जाती थी। हमें लगा कि हम गलती से कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए, पर देख क्योंकि यहाँ पे जो है रोड मैप गूगल मैप भी नहीं वर्क करता है, पर देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। अब आ तो गए थे तो हम बढ़ते हैं अपने आगे के सफ़र की ओर। और ये गांव आया रास्ते में, ये था मेरा गांव जो एक छोटा सा प्यारा सा गांव था और यहाँ पे भी आपको काफ़ी होम स्टे दिख रहे थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली हमें रोड मिल गई, कच्चा रास्ता छोड़ के हम रोड पर आ गए थे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मेराग गांव के बाद जो आएगा वो आएगा चुशुल गांव जो मेराग से लगभग 29 से 30 किलोमीटर है। पर रोड जो है काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्मूथ थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको दो रूट दिखाई देंगे। आई थिंक जो लेफ़्ट साइड था ये जा रहा था मेराग इंटीरियर मतलब गांव की तरफ, अंदर की तरफ, और हम चले जाते हैं राइट की तरफ क्योंकि हमें जाना था कसांगा और चुशुल गांव की तरफ की ओर को। और ये हम पहुंच जाते हैं चुशुल गांव। मुझे लगा कि ये थोड़ा गांव जो चुशुल गांव काफ़ी बड़ा होगा, बट अगेन ये छोटा सा प्यारा गाँव था चुशुल। यहाँ से अगेन दो रूट देखने को मिलते हैं। ये रूट जा रहा है रजांगला वॉर मेमोरियल की तरफ और ये रूट जा रहा है कसांगला की तरफ। तो कसांगला पास वाली रोड पे हम निकल पड़ते हैं। ये रूट पर वैसे बेसिकली बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि इसकी चढ़ाई जो है काफ़ी टफ चढ़ाई है, तो हम कसांगला पास की चढ़ाई जो है वो चढ़ते जा रहे थे। आपको बीच में काफ़ी शॉर्ट टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, बट बाइक में है तो आप ये शॉर्ट टर्न्स ले सकते हैं, बट कार में तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये रूट वैसे तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, यस काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आसपास पूरे सूखे पहाड़ों का नज़ारा था, तो हम थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले थे कसांगला पास। और उससे पहले ही आता है महिमपाल तसो लेक जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो हमने यहाँ पे भी खड़े होकर एक फ़ोटो क्लिक की और चल पड़ते हैं कसांगला पास की ओर। काफ़ी महिमपाल तसो लेक के बाद कसांगला चौक के लिए जो अप हिल आता है काफ़ी शार्प हेपिन्स आते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं लगभग 50-60 बैंड्स आते हैं। बहुत ही खतरनाक हेपिन्स थे, ये बहुत ही खतरनाक अप हिल था। 10 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, फर्स्ट गियर पर गाड़ी उठ रही थी। हालाँकि रोड तो अच्छी थी बट काफ़ी अप हिल था। तो थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले थे कसांगला चौक और ये हम पहुँच जाते कसांगला टॉप जिसकी ऊंचाई लगभग 17834 फीट थी। तो ऑब्वियस है इतनी चढ़ाई तो बनती है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ऊंचाई वाला दर्रा है। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकते हैं और फोटोग्राफी करके निकल पड़ते हैं आगे के सफर के लिए। कसांगला टॉप के बाद रास्ता तो थोड़ा आम हो जाता है, ठीक हो जाता है, बट रोड अच्छी थी बट दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही कोई रिफ्रेशमेंट का सोर्स था, नेटवर्क तो बिल्कुल भी आते ही नहीं है। तो कसांगला टॉप के बाद एक और पास आता है जिसे हम होल्ला पास के नाम से जानते हैं, और उसके पास में ही एक याया तसो लेक है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ी देर रुकते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं। यह भी काफ़ी खूबसूरत पास और काफ़ी खूबसूरत लेक थी, बट एक चीज़ तो है कि आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ना ही कोई रिफ्रेशमेंट मिलेगी। तो ज़रा थोड़ा सोच समझ के इस रूट को थोड़ा चूज़ कीजिएगा। अब देखते हैं हम जैसे नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन आएगी वो पांग आएगी, जहाँ पे हमें थोड़ी रिफ्रेशमेंट मिलेगी, बट काफ़ी थक भी चुके थे, अब पांग जाके ही रुकेंगे हम। सो हालने से लगभग 250 किलोमीटर के बाद जो रूट हमें जो रोड मिलता है दैट इज़ मोरे प्लेन्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लेह मनाली हाईवे भी कह सकते हैं। बहुत ही शानदार रोड, वन ऑफ द बेस्ट रोड। सैल्यूट टू आर BRO टीम, सीरियसली बहुत ही शानदार रोड थी और नज़ारा जो था वो तो अल्टीमेट था। आसपास सूखे पहाड़ और बीच में इतनी शानदार रोड, मतलब पूरा फॉरन फील करवा रहा था। मैं तो टोटली मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट हो गई, बहुत ज़्यादा ही मतलब खुशी हो रही थी इतने सुंदर पहाड़ों के साथ ये नज़ारा देखने में। और आप भी इंजॉय कीजिए इस रूट को, वन ऑफ द बेस्ट रूट ये लेह लद्दाख ट्रिप का था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रूट ख़त्म ही ना हो, बस ऐसे ही चलती रहे, बट
ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप लेह लद्दाख के सफ़र में आए हैं, तो आपको अच्छे बुरे ऑफ रोडिंग ये सब नज़ारों का सामना करना पड़ेगा। तो लगभग 3:30 बजे हम पहुंच जाते हैं पांग, और यहां पहुंच के लगभग आधे से पौना घंटा हम रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप होते हैं और निकल पड़ते हैं आगे, क्योंकि हमें मनाली तक का सफ़र तय करना था और हमें देखना था कि हम कहां तक पहुंच पाते, क्योंकि 3:30 तो हमें यहीं हो गए थे। हमने तो डिसाइड किया था या जिस्पा या कीलोंग रुकेंगे, क्योंकि यहां पे आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे, बट देखते हैं कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। तो ये रास्ते में गाटा लूप्स करके ये जो बैंड्स आते हैं पांग से लगभग 52 किलोमीटर के बाद, ये भी अपने आप में एक बहुत ही शार्प है पिन बैंड्स टाइप हैं। टोटल आई थिंक 21 टर्न्स आते हैं ये। तो ये तो हमने कवर कर लिए। पांग से सरचू तक का जो रास्ता है वो इतनी ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं है, बट रास्ता बहुत ख़राब है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। आपको जगह जगह रुकना पड़ सकता है क्योंकि रास्ता जो है वो खुलता रहता है और बंद होता रहता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग तो है। सो पांग से सरचू तक के सफ़र में ही हमें काफ़ी टाइम लग गया, मतलब लगभग 5:30-6 बज चुके थे। तो हम देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि शाम होती जा रही थी, 7 बजे तो पूरा अंधेरा हो ही जाता है, और रास्ते में अगेन कोई भी आपको कुछ भी नहीं ऐसा मिलेगा, सरचू ही मिलेगा। पांग के बाद डायरेक्ट सरचू ही एक स्टे मिलेगा, जहाँ पे आपको काफ़ी टेंट हाउस के ही ऑप्शन मिलेंगे, मतलब आप कैंपिंग ही कर सकते हैं, अपने टेंट हाउसेज ही आपको मिलेंगे। बट जिस्पा और किलोंग जो है ये एक बेस्ट ऑप्शंस हैं अगर हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो, क्योंकि जिस्पा पे और किलोंग तो एक प्रॉपर एक जगह है जहाँ पर आपको होटल्स वगैरह काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल जाएंगे। तो हमने भी यही डिसाइड किया है जिस्पा या किलोंग में रुकने का, बट देखते हैं शाम होने की थी और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा था, तो हमने सरचू में ही रुकने का डिसाइड किया। अपने आप में ये एडवेंचरस तो था ही, इतनी हाइट पे रुकना, क्योंकि यहाँ पे शाम होते होते काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमें टेंट हाउस 2000 में मिला, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अपना जो डेस्टिनेशन है थोड़ा आगे खींच पाएँ अपनी जर्नी को जिस्पा तक किलोंग तक, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेस्ट ऑप्शन मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे रहने के लिए रीजनेबल रेट में। और अगर आपको थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम तो यहाँ तो आप बिल्कुल ना रुके, क्योंकि शाम होते बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो हम डिनर करके आराम करने चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सरचू से आगे के सफ़र में। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।